about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Hello everyone, what's up? Welcome back to this channel. इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है एक ऐसी वीडियो बनाने की जिसमें हम ये देखेंगे कैसी आपकी लाइफ रहने वाली है एज एन FMC कैडेट FMC के अंदर. तो आओ डायरेक्ट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अभी मेरा फर्स्ट ईयर भी खत्म होने वाला है. अभी हमारे दिसंबर में प्री एग्जाम्स है, फिर जनवरी में यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है, तो मेरा फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. तो कैसा था मेरा फर्स्ट ईयर, मैं वाली वीडियो भी जल्द आऊंगा. इस वीडियो के जस्ट बाद तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कैसी रहती है लाइफ FMC के अंदर और कैसी रहती है लाइफ FMC के बाहर किसी और टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में. तो आओ इस वाले वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहली बार आप FMC को अपने स्क्रीनिंग के वक्त पे देखते हो. इस क्लास 12 से आए बच्चे को FMC में आने के बाद काफी सारी एक्साइटिंग चीजें देखने को मिलती है. इस क्लास 12 से आए बच्चे को यूनिफॉर्म में कैडेट्स दिखते हैं. ये कैडेट्स नहीं बल्कि ये है मेडिकल कैडेट. इसके साथ साथ ये पूरे FMC का कैंपस टूर करते हैं और पूरे तरीके से इसको एंजॉय करते हैं. फिर वो स्टूडेंट वेट करता है अपना नाम मेरिट लिस्ट में देखने के लिए एंड एट लास्ट उसका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है और फिर वो ज्वाइन करता है इस ड्रीम कॉलेज FMC को या फिर कहूँ हॉगवर्ट्स ऑफ मेडिकल कॉलेज. इसके बाद की सारी जर्नी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है क्योंकि स्टार्टिंग डेज में किसी मेडिकल कॉलेज में इनको सिखाने के लिए स्टूडेंट्स को एक तरीके की हार्डनेस दिखानी पड़ती है सीनियर्स को. तो सीनियर से इंटरेक्शन होती है और स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग के डेज में काफ़ी ज़्यादा कुछ झेलना पड़ता है. नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, फॉर एग्जांपल विशिंग योर सीनियर्स और कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें. इन सभी चीज़ों से आप सभी के अंदर यूनिटी बढ़ती है और आप एक तरीके से स्ट्रांग बनते जाते हो. ये सब आपको टफ बनाती है. फिर इसके बाद वो नॉर्मल बच्चा जो अपने घर पर आराम से सोता रहता था इसके पहले तक, उसको सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है और सुबह की 6 बजे की मॉर्निंग PT अटेंड करनी पड़ती है. इसके बाद स्टार्ट होती है लगातार क्लासेस जो कि 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक लगातार चलती है. इसके बाद आधे घंटे का एक रिसेस मिलता है जब आप आराम से थोड़ी इंजॉय करते हो, अपने नए दोस्त बनाते हो आपस में बैठे बैठे. इसके बाद वापस से 1-2 घंटे की लेक्चर आती है. उसके बाद बड़ी सी रिसेस मिलती है जहाँ पे आप लाइन बना के जाते हो अपने सेंट्रल कैडेट मेस के अंदर. वहाँ आराम से बैठ खाना खाते हो और वहाँ पे अपने नए दोस्त बनाते हो. इसके बाद हम वापस आते हो लाइन बना के. लाइन में चलने वाला मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग रहता है और इसी में हम लोग काफ़ी सारी मस्ती भी करते हैं. फिर हम पहुँचते हैं वापस अपनी क्लास में और फिर हमें स्टार्टिंग में डेज में देखने को मिलते हैं DH. DH के बारे में हम लोग अपने नीट के टाइम से काफ़ी सुनते हुए आ रहे हैं जहाँ पर जाके हम कैडेवर के साथ काफ़ी कुछ सीखते हैं एनाटॉमी के रेस्पेक्ट में. वो चीज़ें जो हमें बुक नहीं पढ़ा पाती हैं वो चीज़ें हम कैडेवर में जाकर अपना क्लियर कर पाते हैं. सारे रिलेशंस एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इंपीरियर ये सारी चीज़ें कैडेवर में जाके क्लियर हो जाती हैं. काफ़ी सारा एक्साइटिंग रहते हैं DH करने के लिए. DH यानी डिसेक्शन हॉल. इसके बाद जहाँ बाकी सारे कॉलेज के स्टूडेंट अपने घर चले जाते हैं FMC के स्टूडेंट्स को खेलने जाने का मौका मिलता है जहाँ पे वो सब लोग एक साथ मिलकर खेलते हैं. कोई भी स्पोर्ट जो आप चाहो उसमें आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद आप खेल सकते हो. इसके अलावा अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे सिंगिंग डांसिंग या और कोई चीज़ तो आप उसको भी जाके इस टाइम पे फॉलो कर सकते हो. इन सभी के बाद आपको अपना हॉस्टल जाना रहता है. हॉस्टल में जाने के बाद आप सभी का एक रूम रहता है, आप एक फ्लोर रहेगा, हर फ्लोर में आप स्टूडेंट्स की तरह रहोगे. तो दो लोगों को स्टार्टिंग में एक रूम मिलता है. ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमें अपने घर की ज़्यादा याद ना आए. उस फ्लोर में एक ऑफिसर भी रहते हैं ताकि किसी भी तरीके की रैगिंग किसी भी तरीके की ना हो. बट थोड़ी बड़ी इंट्रैक्शन सीनियर के साथ तो हमेशा बनती रहती है. नॉर्मल डेज पे तो ये साइकिल्स चलती रहती हैं बट इसके अलावा FMC में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. बट यहाँ रूल्स और रेगुलेशंस को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है. डिसिप्लिन यहाँ पर टिप पे रहना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, हम लोग कैंपस को छोड़ के बिना किसी परमिशन के नहीं जा सकते क्योंकि FMC के लिए इन सभी कैडेट्स की लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है. तो अगर आप FMC कैडेट हो आप बिना परमिशन के कैंपस को छोड़ के नहीं जा सकते हो. आपके स्टार्टिंग डेज में हेड काउंट्स भी होते हैं ताकि कोई भी पर्सन मिसिंग ना हो, कहीं ज़्यादा घूम ना जाए क्योंकि FMC का कैंपस काफ़ी बड़ा है और काफ़ी जगह है घूम जाने के लिए. और जैसा मैंने कहा डिसिप्लिन आपके यूनिफॉर्म तक आती है. आपके यूनिफॉर्म पूरी तरह अप टू डेट होना चाहिए और पूरी तरह नीट एंड क्लीन रहना चाहिए. बात करूँ FMC के खाने की, जो सेंट्रल कैडेट मेस में होता है वो टॉप क्लास रहता है, इंडिया का ऑलमोस्ट टॉप क्लास. बट जैसा मैंने कहा हर जगह डिसिप्लिन मेंटेन करना रहता है इवन सेंट्रल कैडेट मेस में. इसके बाद बात करूँ लीव्स की, हमें हर साल में 2 लीव्स मिलती है 3-3 हफ्ते की, हर साल में 2 बार.
इसके अलावा अगर आपको कोई इमरजेंसी जाना है तो आप एक लेटर लिख के परमिशन लेके जा सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो वो भी एफएमसी में आकर रुक सकते हैं, उनके लिए स्पेशल रूम्स हैं, तो आपके पेरेंट्स भी एफएमसी पे आकर रुक सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल इन शॉर्ट हाउ इज लाइफ एट एफएमसी। आओ अब एंड करते हैं कुछ फन मोमेंट्स ऑफ एफएमसी के साथ। सुरीली सुरीली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। Hey Surili, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे हाथ की चॉकलेट खाओगी? Yes, sure, I love you too. ऐसा क्या तुम्हारे जो हमारे पास नहीं है? कैडबरी। Obviously, eat Cadbury's Dairy Milk. और यार कैसे? कॉलेज के लिए तैयार है क्या? हाँ भाई, बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। सुनिए सुनिए सर, कहाँ से है तू? सर आगरा से। Loudly. आगरा कहाँ? सर आगरा। सर आगरा उत्तर प्रदेश से। तू कहाँ से? सर लखनऊ उत्तर प्रदेश से। तू एसक्यू रहे? सर सर कान पकड़। लखनऊ का नवाब है, कान पकड़ अपने। हाँ भाई क्या हो रहा है? सर कुछ नहीं, हमारे कॉलेज के फ्रेशर्स हैं, नए स्टूडेंट्स। बच्चों क्या हो रहा है? सर रैगिंग हो रही है। क्या हो रहा है? सर हो रही है। फंडे नहीं बताया तुम्हें, कब आया तुम? आज ही। अरे आ जाओ रामू, रामू आ जा, बोले क्या क्या लाया रामू? नए बकरे। ये क्या है? अबे बकरों, तुम्हारी नई शुरुआत है। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। कॉलेज का शुभारंभ डेयरी मिल्क के साथ। ऑन ए मार्क्स गेट सेट गो। That's all for this video. अगर आप पहली बार इस चैनल पर कोई वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। आपके साथ में तो जल्दी किसी और सेटिंग वीडियो में या फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।